वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसे IIT और IAS का प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं, जहां दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस प्रदेश दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था, लेकिन आज ये एक गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार ही वो स्थान है जिसे चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और बिहार से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सफर। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 15 नवंबर साल 2021 को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। इस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पेड़ पीपल, राजकीय चिड़िया गौरैया और राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है। अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार के क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 10 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या घनत्व 2850 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 38,860 रुपए है। दोस्तों, इस बात से आपको हैरानी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक IAS अधिकारी बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। दिमाग में बिहारी बहुत तेज होते हैं। माना जाता है बिहारियों की गणित बहुत तेज होती है, उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 के पहले IAS अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के छात्रों का ध्यान अब IT सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा से बिहारी छात्रों में IAS के प्रति रुचि देखने को मिल रही है। शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थली भी बिहार ही है। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है, वो गणित में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा आप उठा सकते हैं। अमेरिका, जापान आदि देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पड़ोसी चीन भी इस मामले में हमसे बहुत पीछे है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में ही है। यह मंदिर पंवारा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 से लेकर साल 1904 तक ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लैक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ के शिलालेख 389 ईस्वी के हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। यहाँ पर तख्ता श्री पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है, इसे महाराणा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। ये त्योहार प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लिट्टी चोखा को बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है। लिट्टी एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर सेका जाता है। लिट्टी के भीतर सत्तू का मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो चोखा आग पर सेके गए आलू, बैंगन, टमाटर से बनाया जाता है। लिट्टी चोखा सबसे आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी फेमस है। नालंदा पुस्तकालय ने विशेष रूप से ईरान, कोरिया, चीन, जापान और ग्रीस के लोगों को आकर्षित किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक था, लेकिन तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगवा दी। ऐसा माना जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि ये 3 महीने तक जलता रहा। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। ये गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित है। ये मंदिर बौद्ध धर्म के लिए खास है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर बिहार से 115 किलोमीटर दूर स्थित है। महाबोधि मंदिर UNESCO के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।
मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले ही थे। उन्होंने मॉरिशस की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका नाम शिव सागर राम गुलाम था। भारत की दूसरी सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में है, जहां पर 7000 हेक्टेयर जमीन में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाए गए हैं। बिहार में हर रोज लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और बिहार के मजदूरों को और सभी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का शाही लीची पूरी दुनिया में फेमस है, इसलिए मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है, और MS धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। MS धोनी का जन्म रांची में हुआ था। उस समय रांची बिहार का ही भाग हुआ करता था, जिन्हें लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग आया करते थे। जानकारी के अनुसार बिहार का विकास दर आज 14.48% है, जो साबित करता है कि बिहार देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हैं। मधुबनी जिला के नजदीक एक रांटी गांव है, जहां की पेंटिंग यूरोपियन कंट्री में धूम मचाती हैं। दोस्तों, बिहार में घूमने और अपनी छुट्टी को कुछ स्पेशल बनाने के लिए बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। अब हम आपको बिहार की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताते हैं। नालंदा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर ने यहां 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्यांग ने यहां का दौरा किया और यहां कम से कम वो 2 साल तक रहे। यहां तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी है कि एक अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आई त्सुंग नालंदा में लगभग 10 वर्षों तक रहे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर में पड़े हैं, लेकिन ये जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। पटना। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए भी एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान माना जाता है। हरियंका, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में ये शहर पूरे भारत में काफी उभर कर सामने आया था। आज का पटना एक विकासशील शहर है। मॉल्स, हाईफाई होटल्स और थिएटर से यहाँ की रौनक और बढ़ गई है। कुम्हरार, आगम, कुआं, दीदारगंज, यक्षी, तख्त श्री पटना साहिब, गुरुद्वारा पहला बड़ा, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाब लीला, पटना संग्रहालय, किला हाउस यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। गया। बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में बोधगया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है, और बोधगया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया एक व्यस्त शहर है, जो कि फल्गु नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से ये भरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।